अगर आप साग पसंद करते हैं तो आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। और अगर आपके पास टाइम नहीं है कि ताकि आप इस तरह की साग वाले पत्ते वाली सब्जियां आप बना सकें, तो ये तो आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। ये लाल साग है जो मार्केट में कुछ इस तरह बंडल में मिलता है, और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। इसके बस जड़ को काट के आपको अलग करना होता है और पत्तियों को इसी तरह से आप डाल दीजिए, और ये बन के 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाता है। ना ही बारीक चॉप करना होता है, ना ही घंटों तक इसे पकाने की ज़रूरत होती है, ये झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो आप सिर्फ इस वजह से नहीं बना रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करेंगे। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू आराधना देसी किचन। आइए चलिए देखते हैं हम ये लाल साग को किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं इसे अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। मैंने इसके जड़ को पहले ही काट के अलग कर दिया था, और उसके बाद अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है धोकर, और बस इस तरह से पत्ते बड़े बड़े तोड़ लेने हैं। अगर आप इसके डंठल इस तरह से देखिए, सॉफ्ट है, आप इसे तोड़ के देखिए, अगर कुछ ऐसे टूट जा रहे हैं तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी और आसानी से गल जाते हैं। बस जो हार्ड डंठल है उसे ही आप डिस्कार्ड कर दीजिए, बाकी इसे बारीक बारीक चॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मसालों में देखिए, बस इतने से ही मसाले की ज़रूरत होती है। 5-6 यहाँ पे लहसुन है जो बारीक चॉप कर लिया है, 2 हरी मिर्ची है जो चॉप किया हुआ है, और 2 बड़े साइज का प्याज है, 1 तेज पत्ता लिया हुआ है, और 1 ही लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। और उसके साथ चाहिए आपको 2 टमाटर इस तरह से रफली चॉप कर लीजिए। अगर आप देसी टमाटर इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर डालिएगा, ये बहुत अच्छा लगता है इस साग में देसी टमाटर। अगर नहीं है तो आप हाइब्रिड भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच जितना मैंने जीरा ले लिया है, तो 2 चम्मच जितना मैंने सरसों का ऑयल कुकर में डाल दिया है गर्म होने के लिए, 2 चम्मच जितना ही ऑयल लेना है, और इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। तो तेज पत्ता और लाल मिर्ची और जीरा मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जीरा अच्छी तरह से तरक जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे लहसुन डाल देंगे, और लहसुन हरी मिर्ची ये भी अच्छे से यहाँ पे पक जाएगा, तो फिर साथ ही हम यहाँ पे प्याज भी डाल देंगे। लहसुन को थोड़ी देर पका लेंगे, जैसे ही हल्का ये ब्राउन हो चलेगा वैसे ही हम यहाँ पे प्याज को डाल देंगे। अब प्याज को भी आपको भूनना है, 1 मिनट जितना ही लगेगा, हल्का सा ये ब्राउन हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पे बॉयल किया हुआ चना डाल देंगे। चना ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। 1/2 कटोरी जितना मैंने काले चने को बॉयल कर लिया था, हाफ बॉयल कर लिया था, वही मैं अब इसमें डालूँगी। और अब चना और प्याज को थोड़ी देर आपको भूनना है, उसके बाद हम यहाँ पे टमाटर डाल देंगे, और टमाटर डाल के इसे 1 मिनट के लिए भून लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नमक डाल दीजिए, स्वाद अनुसार नमक हल्का ही डालिएगा। और साग के फिर जो सारे पत्ते हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी, और पत्ते डालकर इसे 1-2 मिनट के लिए पत्ते के साथ भी आपको भूनना है। कोई बारीक बारीक चॉप नहीं किया है, एज इट इज़ आप इसको इसमें डाल दीजिए। ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी गल जाता है, क्योंकि मैं चना इसमें डाल के बना रही हूँ इसलिए मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है। ये कढ़ाई में भी बहुत ही आसानी से पक के तैयार हो जाता है, बिल्कुल 10 से 15 मिनट आपको लगेगा इसे बनाने में। और आप इसी तरह बना सकते हैं, अगर आप चना डाल रहे हैं तो आप कुकर का इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद 2 सीटी लगाना ही पड़ता है चने को गलाने के लिए। अदरवाइज आपको इसे पकाने के लिए ना ही कुकर का इस्तेमाल करना है, और ना ही आपको कोई सीटी लगाने की ज़रूरत है। तो बस देखिए, मैं इन सब को अच्छी तरह से भून रही हूँ बस 1 मिनट के लिए। इस तरह से देखिए, चलाते चलाते ही आप देख रहे हैं कि साग देखिए कितना गल कर तैयार हो गया है। बस 5 मिनट में और दूंगी और ये आपका बनकर तैयार हो जाएगी सब्जी झटपट। तो अगर आप सोच रहे हैं कि साग कौन लाएगा, कौन बनाएगा, इतना झंझट का काम है, तो आप ये लाल साग बना के देखिए, इतना स्वादिष्ट, इतना मीठा बनता है ना। और आप इसे चावल किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, और ये खाने में लगता है। तो देखिए, ये बन कर और पक कर अब तैयार हो गया। आपको यहाँ पे लगे कि पानी थोड़ा ज़्यादा है तो आप इस तरह से खोल के थोड़ी देर और इसे पानी को जला लीजिए, या फिर लगे कि आपका साग बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी इसमें शामिल भी कर सकते हैं। और फिर देखिए, बस इस तरह से होना चाहिए, ना ज़्यादा गीला और ना ही ज़्यादा सूखा। और अब आप इसे चावल के साथ या रोटी के साथ
किसी के साथ भी सर्व कीजिए, ये दोनों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको ऐसी अच्छी और नए नए वीडियो की रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी मैं अपलोड करूँ। तो आप किस जगह से मेरे वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।